हे दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिटेक के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गूगल पे के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, बस उसका बैंक में अकाउंट होना है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर होते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट तो होता है लेकिन गूगल पे नहीं होता, तो उससे हम लोग डायरेक्ट गूगल पे से पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले दोस्तों। और क्या दिला दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड वाला ये सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना ना भूले, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबाना ना भूले, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे वीडियो की तरफ। जिस फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बस आपको यहाँ पे गूगल पे में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक न्यू करके ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर बस आपको क्लिक करना है। तो बहुत सारे देखिए, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सब अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह डालने को आएगा, इसी से हम लोग बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने वाले। तो सिंपली यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है जिसको भी पैसे सेंड करने हैं बस, और फिर से दोबारा कंफर्मेशन के लिए बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और उसका जिसके जिसको आपको पैसे सेंड करने हैं उससे आप उसके बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड याद से ले लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको बस आईएफएससी कोड डालना है, और बाद में उस जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका अकाउंट में जो नाम है वो नाम डालना है। सिंपली यहाँ पे जो भी रहेगा और ओके का कंटिन्यू पे ओके मारना है। अगर उसका बैंक में अकाउंट होगा तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा आपका, अगर अगर नहीं होगा, मतलब अगर शेड्यूल बैंक में होता है तो कभी कभी नहीं होता है पैसा ट्रांसफर, तो अगर होगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपको सिक्योरिटी चेक करनी है तो बस आपको पहले उससे 1 रुपया ट्रांसफ़र करके देखिए अगर उसको पैसे जाते हैं कि नहीं, और सिंपली प्रोसीड कर दीजिए। ये देखो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये देखिए उसको 1 रुपया गया, मतलब हम लोग प्रॉपरली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप उसे जितने भी अमाउंट बाद में सेंड करनी है उतनी सेंड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिक्योरिटी के लिए बता दूं कि 1 रुपया, बस 1 रुपया ट्रांसफ़र करके देख लीजिए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हम लोग और कौन सी नई टॉपिक पर वीडियो बनाए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।